हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एरर इन पावर्स। इससे पीछे हमने डिस्कस करे थे कि हाउ एरर्स कंबाइंस इन समेशन एंड डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। टुडे वी विल डिस्कस हाउ एरर्स कंबाइंस इन पावर्स। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरर्स इन पावर। इसमें देखो हम क्या करेंगे कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे सबसे पहले, और वो फिजिकल क्वांटिटी है x, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b, a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m। मतलब a और b के ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी है x वो इस प्रकार से डिपेंड करती है। तो अब क्या करेंगे, हमने ए को मेजर किया, ए को मेजर किया तो ए में जो एरर था वो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए, तो टोटल जो बना अपनी जो मेजर्ड क्वांटिटी थी वो बनी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। उसके बाद हमने बी को मेजर किया तो बी जो क्वांटिटी थी मेजर्ड विद एरर लिमिट्स दैट इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ consider that plus minus delta x is error in x, calculating x। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां आप लोग log लेंगे on both sides। तो taking log on both sides, दोनों side जब आप log लेते हैं तो ये जो क्वांटिटी थी ये बन जाएगी log x, log of a raised to power m into b raised to power m। अच्छा, log के लिए मैं बता देता हूं कि log जो होता है उसके आपके पास दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को मैं यहां लिख रहा हूं। जो आपको जरूरत जिस फॉर्मूले की पड़ेगी हम उसी फॉर्मूले को यूज इसमें कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला है log of m into n, तो ये बराबर होता है log of m plus log of n, यदि यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो। उसके बाद log of m by n, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये बराबर होगा log of m minus log of n। और एक फॉर्मूला जो आपको यहां यूज करना होगा दैट इज log of m raised to power n is equals to log n log m, मतलब जो पावर थी वो पावर आगे आ गई, जब इसको सोल्व किया तो पावर आगे आ गई, n log m हो जाएगा। ओके, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे पहले यहां पर a और b को सेपरेट करने के लिए। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आ गया log of यहां इसको अलग से लिखा तो log of x, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो log x थी, राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, यहां से लिख रहा हूं मैं log of, ये फॉर्मूला यूज करा log m into n log m plus log m, तो यहां इसमें यूज करेंगे तो log of a raised to power m, a raised to power m plus log of b raised to power n, log of b raised to power n, ये अपने पास आया इस log के फॉर्मूले को हमने सोल्व किया तब। उसके बाद अब इस फॉर्मूले को यूज करो, कहां, यहां पर यूज करेंगे और इसमें यूज करेंगे, यहां दोनों जगह जब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो अपना रिजल्ट आएगा log of x is equal to, पावर कहां आ जाएगी, log के केस में पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी तो ये आएगा m log a plus n log b, m log a plus n log b, ये आ जाएगा। Now differentiating, अब हम क्या करते हैं इसका, differentiate करते हैं इसको, differentiating। तो differentiation में जो formula आता है differentiation during differentiation, तो आपका formula होता है d by dx of log x, log x यहां ये बताता है differentiation of log x with respect to x, ये d by dx आपको इंडिकेट करता है कि जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो किस के रिस्पेक्ट में किया गया है।
तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, यहां से मत देखो इसको कि x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सिर्फ जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो d by dx of log x that is equals to 1 by x, और आप इसको ये भी लिख सकते हो कि d differentiation log of log x is equal to 1 by x into dx, दोनों चीजें आप यहां पर लिख सकते हो। तो यहां यदि आपको इस टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप यदि कहेंगे तो हम एक वीडियो इसके ऊपर और भी बना सकते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेकिन अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखें कि लोग x का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो कितना आएगा। तो डिफरेंशिएशन जब मैंने किया तो log x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया है, 1 by x into dx, तो मैं log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तब आया ये। मैं यहां पर इसमें m पावर कॉन्स्टेंट थी वो बाहर आ जाती है डिफरेंशिएशन में, और log a, यहां मैं डिफरेंशिएशन log a का करता हूं a के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 by a into dA, और सिंपली अगली टर्म आ जाएगी n into 1 by b into dB। तो ये जो dx आ गया, dA आ गया या फिर dB आ जाता है, दीज आर स्मॉल चेंजेस इन a, b एंड x। अब मैं अभी इन d को रिप्लेस कर रहा हूं डेल्टा से, क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस थे और डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा एरर को, ये फ्रैक्शनल चेंज को शो करता है, डेल्टा फ्रैक्शनल चेंज को शो करेगा, तो यू मे रिप्लेस d by डेल्टा। आप इसको d को रिप्लेस कर सकते हो किससे, डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां मैं लिखूंगा तो मैं साइन भी ऐड कर देता हूं, प्लस माइनस डेल्टा x by x इज इक्वल टू, यहां पावर थी a, ध्यान दें जो क्वांटिटी a थी, a की पावर कितनी थी m, वो आगे रह गई और मैं लिख रहा हूं उसको पावर जो थी वो आगे आ गई, और जो फ्रैक्शनल एरर बना था इसमें a क्वांटिटी a में जो फ्रैक्शनल एरर था वो लिख दिया गया डेल्टा a by a प्लस माइनस यहां इसकी पावर b के केस में कितनी थी n, और इनटू डेल्टा b by b, ये आपका आ गया रिजल्ट कि एरर्स जो प्रोपगेशन है, ध्यान दें इसमें इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट आपकी जो उसमें पावर्स नहीं थी तो आपका रिजल्ट आया था m को हटा दो और n को हटा दो, ये आपका रिजल्ट आता है इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट। लेकिन यदि आपकी क्वांटिटीज के ऊपर वो पावर्स रेज्ड हैं तो वो पावर्स जब फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे उस केस में जो पावर्स थी वो उससे आगे आ जाती हैं। तो ये था कि हाउ डू एरर्स प्रोपगेट व्हेन पावर के साथ होता है। तो अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है कि आपको रेडियस दी गिवन है, किसी स्फीयर की रेडियस गिवन है, कोई भी स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको गिवन है, मेजर्ड जो रेडियस थी वो आपको गिवन है, और वो बताया गया आपको कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, कि मेजर कितनी करेगी कंसिडर करते हैं हम प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये क्या थी मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो जैसा कि यहां इससे दिखाई दे रहा है तो आप इसको r ना लिखें, इसको लिखें r प्लस माइनस डेल्टा r, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू थी, और यदि ये मेजर्ड वैल्यू है तो विद इन एरर लिमिट्स ये मेजर की गई है, एरर लिमिट्स के साथ इसको मेजर किया गया है। सो आपके पास ये वैल्यूज आई है मेजर्ड वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू r प्लस डेल्टा r, जिसमें r जो था वो ट्रू वैल्यू थी इसकी, वो उसकी ट्रू वैल्यू है रेडियस की, लेकिन जब आपने मेजर किया तो उसमें एरर आया और ये जो था एरर एब्सोल्यूट एरर जो था रेडियस के अंदर वो था, कि उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया एब्सोल्यूट एरर को, दैट इज डिनोटेड बाय प्लस माइनस आर डेल्टा आर। तो यहां आपको वैल्यूज इसकी क्लियरली पता चल जाएगी कि आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर वेयर इज डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ये आपको पता चल चुका है। तो आपको गिवन इतना ही है कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि व्हाट कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, आपको फाइंड आउट करना है, क्या आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर, आपको निकालना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन मेजरिंग, इन मेजरिंग और कैलकुलेटिंग, इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्फीयर।
कि जब आप स्फीयर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसको किस कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर इसमें करेंगे हम, देखो वी नो ऑल नो दैट द एरिया ऑफ स्फीयर इज रिप्रेजेंटेड और गिवन बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला होगा। व्हेन यू अप्लाई द प्रीवियस रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका पावर्स के अंदर ये रिजल्ट आया था, तो आप यदि इस रिजल्ट को इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, यहां आप लोग इस रिजल्ट को यूज करते हो तो क्या आएगा, देखें यहां मैंने जब मैं इस एरिया को इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपको निकालना क्या है, आप परसेंटेज एरर निकालेंगे, और परसेंटेज एरर निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा उसमें फ्रैक्शनल एरर, जिसको आप दूसरा नाम देते हो रिलेटिव एरर का नाम भी दिया जाता है। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए यही मेथड है। रिलेटिव एरर देखो, रिलेटिव एरर है s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर है आपके पास जो टर्म थी, वो फिजिकल क्वांटिटी s जो है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। देन यू अप्लाई दिस रिजल्ट, तो डेल्टा s / s इज इक्वल टू 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, सो इसको हम नहीं लेंगे। इसमें आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, आर है, जिसको आपने मेजर किया और किसके साथ मेजर किया, विद एरर लिमिट्स। देन जब पावर्स होती हैं तो रिलेटिव एरर निकालते वक्त पावर फिजिकल क्वांटिटी की क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, इसकी पावर कितनी है 2, तो पावर इसकी आगे आ गई और डेल्टा आर बाई आर हम यहाँ लिख रहे हैं। ये ध्यान दें कि 4 पाई को क्यों हटाया गया है, क्योंकि 4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस, इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, सो दैट वी रिमूव 4 पाई फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। यहाँ जो स्टेप जो आपने लिखा उसमें से आपने 4 पाई को रिमूव करा। ओके नाउ वी पुट द वैल्यूज, अभी हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा आर, हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू ये आ गया 0.2 सेंटीमीटर अपॉन कितना आया 5 क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव टू, ये आया आपका फ्रैक्शनल एरर आया है, फ्रैक्शनल आप इसको बोल दो या फिर रिलेटिव जिसको आप बोलते हो, तो ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का केस है। आपको निकालना क्या था, फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट, आपको निकालना जो था वो आपको निकालना था परसेंटेज एरर निकालना था। तो परसेंटेज एरर यदि एरिया के अंदर निकालेंगे हम, तो परसेंटेज एरर किसके बराबर आएगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर और इनटू 100, जो भी आपका यहां से आता है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द दैट विल रिप्रेजेंट द परसेंटेज एरर इन एरिया। ओके लेट consider another example of a combination of errors in product. हम दूसरा example उसका लेते हैं, combination of errors in product. Then what will we do? Consider length of a rectangle is given plus minus 0.2 meter and breadth of a rectangle is given 3 plus minus 0.1 meter. These two quantities are given to you. The measured values. और मैं इसको लिखूंगा डेल्टा एल प्लस माइनस एल प्लस, ठीक है, क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यूज हैं और विद इन एरर लिमिट्स, और किसके साथ इनको मेजर किया गया है, एरर लिमिट्स के साथ इनको मेजर किया गया है। सो व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू हैव टू कैलकुलेट, आपको निकालना जो है, आपसे पूछा गया है एरर इन एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। हम एक उसका एग्जांपल कर चुके फ्रैक्शनल या रिलेटिव या परसेंटेज एरर का, तो एब्सोल्यूट एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। ओके तो हम एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, रेक्टेंगल का जो एरिया था उसमें एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, तो सबसे पहले मैं मेंशन कर लेता हूं, यहां से यदि आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो L represents the original true value of the length and L is equals to
5 meter and delta L is equals to 0.2 meter. Clear? Okay. Again, B is equals to breadth of the rectangle 3 meter and delta B is equal to plus minus 0.1 meter. Clear? Okay. Now, what is true area? Area किसके बराबर होगा? A is equals to length into breadth और वो बराबर होगा length 5 meter, breadth 3 meter, total आ गया 15 meter square के. ये आ गया true area. Again, आपको area जो दिया गया है A is equal to L into B के बराबर आपका formula होगा. ये एक example है product का. जब आप इसमें फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो उस फॉर्मूले के हिसाब से एरर इन एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ अपॉन लेंथ प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ. यहां ये आपके पास रिजल्ट आ गया है. ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव एरर्स को. ध्यान दें, मैंने जो आगे ऊपर लिखते हैं इसी स्टेप को, तो जो आपके पास यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो क्वांटिटी है और इसको एरर्स के साथ लिखेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ. ये आया आपका रिजल्ट आ गया है. तो यहां से आप वैल्यूज देखेंगे तो पुट करते हैं हम, डेल्टा ए बाई ए is equal to delta L by L. Delta L कितना? L by L 0.2 upon 5. मैं decimal हटा के इसको 50 कर दूं. Plus यहाँ delta B की value 0.1 upon 3. मैं इसको हटा देता हूँ 1 upon 3. तो 1 upon 30. On taking LCM कितना आ जाएगा? 150 LCM आ गया. 50 से डिवाइड करा 3 आया. 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 30 से डिवाइड करा 5 तो 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 11 बाय 150. कितना आ गया? 11 बाय 150. ये जो अभी है ये यदि आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज रिलेटिव एरर तो आप 11 बाय 150 कर दें. परसेंटेज एरर यदि पूछा जाता है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये कैंसिल आउट करके बना 2, 3. ये आ गया 22/3 और 7.33%. क्लियर? और यदि वो आपसे अब्सोल्यूट एरर ही पूछता है तो अब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंटेड है? प्लस माइनस डेल्टा ए से. और प्लस माइनस डेल्टा ए से रिप्रेजेंटेड है तो उसको आप लिख सकते हो 11 अपॉन 150 इनटू, देखो मैं यहां जो नीचे ए था उसको इधर ले जाता हूं, यहां से खत्म किया, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया और ये जो ए था एरिया ये किसके बराबर था? पहले से कैलकुलेटेड था 15 मीटर स्क्वायर के बराबर था. यहां मतलब मैं एरिया की वैल्यू पुट कर देता हूं 15 मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट करा 10 और 1.1 मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट थी ये. तो ये आ गया उसमें जो एरर था अब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो अभी आपको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है और जो भी क्वेरी होंगी उनको हम शेयर करेंगे. थैंक यू.